आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी जो कि है थेपला केसेदिया। ये एक फ्यूजन रेसिपी है। इसमें हम एक्चुअल जो रियल रेसिपी होती है उसमें टोर्टियास का यूज होता है जो कि मैदे का बनता है, तो उसको रिप्लेस करके हम इसमें अपना देसी थेपला डालेंगे जो कि आटे से बनता है, और ये होल व्हीट से बना हुआ आटा जिसमें फाइबर रिच है तो न्यूट्रिशंस बढ़ जाता है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। ये मैंने तीनों तरह के बेल पेपर्स और प्याज को काट लिया है छोटा छोटा, और इधर मैंने एक पैन चढ़ाया है उसमें 1 चम्मच मैंने बटर डाला है। ये देखिए ये अब ये पिघलने लगा है, इसको बिल्कुल स्लो पे रखेंगे क्योंकि बटर अगर जल जाता है बहुत जल्दी। अब सबसे पहले ये प्याज डाल देती हूँ मैं, और ट्रांसलूसेंट हो जाने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे, सारा प्याज डाल देंगे। ये देखिए अब ये ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब बारी बारी करके हम इसमें वो जो हम लोगों ने बेल पेपर काटी हैं उनको हम मिला देंगे, और उसको भी हम कम से कम 4 से 5 मिनट सौते करेंगे, लेकिन उसको बिल्कुल गलाना नहीं है, उसका क्रंच बाकी रहना चाहिए। ये देखिए मैंने सबको मिला दिया है। अब 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छी तरह से सौते करेंगे, बाद में पनीर में। ये इसी समय पे हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने सादा नमक लिया है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लिया है, कुटी हुई काली मिर्च ली है और चिली फ्लेक्स लिए हैं। इन सब मसालों को हम इसमें डाल देंगे और 4 मिनट बाद इसको उतार लेंगे जब क्रंच बाकी हो। अब देखिए ये अच्छी तरह से भुन गया है, तो अब इसमें मैं क्रम्बल किया हुआ फ्रेश पनीर डाल रही हूँ। आप अपनी मर्जी की चीज़ डाल सकते हैं, आपके पास कॉर्न है तो हल्का सा पार बॉयल करके वो कॉर्न डाल दीजिए, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं पनीर डाल रही हूँ। देखिए इससे ना बहुत ही यमी टेस्ट आएगा, ना बच्चों को पसंद भी आता है, यंगस्टर्स को, तो उस तरीके से इस पनीर को मिला देंगे हम, और बस 2-3 मिनट चला के, जिससे कि उसके अंदर मसालों का स्वाद पनीर में आ जाए, फिर हम असेंबल करना शुरू करेंगे। अब देखिए इसमें वो जो मसाले हैं वो पनीर डालने के बाद ये हम सब डाल देंगे। सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ, और वो बाकी जितने मसाले लिए थे ना, थोड़ा सा चाट मसाला, और मैं इसमें थोड़ी सी, कल मैंने बताया नहीं था आपको वो शायद, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी हर्ब्स भी डाल दूंगी। ये चाट मसाला मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ चटपटा, थोड़ा इंडियन टच के लिए, और इसको भी मिलाते जाइए, सब में वो टेस्ट आ जाए जिससे, और इस तरीके की जो हर्ब्स होती है ना वो डाल देंगे हम थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों को ये हम कसेदिया में ये सब डालना चाहिए ना मैक्सिकन फूड में, तो बस इसके लिए ये डाल दूंगी। तो ये फ्यूजन फूड है तो दोनों तरह का स्वाद आ गया इसमें, बस इसको 2 मिनट बाद बंद कर देंगे। अब देखिए ये जो हम केसदिया बना रहे हैं उसके लिए वैसे तो टोर्टियाज लिए जाते हैं, यानी मैदे की रोटी समझ लीजिए आप, तो वो तो मैदा इज हार्मफुल, हम जो भी बना रहे हैं वो हेल्दी चाहते हैं, तो इसके लिए और थोड़ा इंडियनाइज फ्यूजन रेसिपी है ना, तो उसमें इंडियन जो है टोर्टिया को हमने रिप्लेस किया है। देखिए ये कितने पतले, ये हैं गुजराती थेपले, ये मेथी का थेपला है जो कि आटे से बनता है जिसमें कि अच्छी तरह से फाइबर्स होते हैं, तो ये बना हुआ है। अब इसको हम बेस के तौर पर यूज करेंगे, तो थेपले के साथ फिलिंग तो हम बिल्कुल विदेशी स्टाइल बनाई है हमने, वो अपने कलरफुल बेल पेपर्स एंड पनीर के संग वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। पर सबसे पहले मैं इसमें ऐसे ही सॉस लगा दूंगी, ये भी वो जो इटालियन अपना सॉस आता है ना पिज्जा एंड पास्ता सॉस टाइप, तो उसको लगा देंगे। जितना आपको जितना खाने का हो उस हिसाब से लगाइए, कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे पूरे थेपले पे इस तरीके से। अब उसके बाद इसमें मैंने जो फिलिंग बनाई है ना अभी अपन ने पनीर, और इतनी अच्छी कलरफुल, ये तो देखने में इतनी इनवाइटिंग लग रही है ना, इतनी अच्छी लग रही है ना,
कलरफुल फूड इज वेरी गुड फॉर हेल्थ टू. इसमें येलो, ग्रीन, रेड बेल पेपर एंड प्रोटीन रिच पनीर भी है, तो विटामिन एंड प्रोटीन दोनों मिलेगा. और ये आटे का बना हुआ थेपला है, तो सब कुछ बहुत हेल्दी है. इस तरीके से ये फैला लेंगे हम. देखिए कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है ना. अब उसके बाद ये मैंने चीज को ग्रेट कर लिया है, उसको डाल देंगे इसके ऊपर अच्छी तरह से. ये इस तरीके से हो गया है. अब हम इसको 2 मिनट के लिए गरम तवे पे रखेंगे. ज्यादा नहीं देर रखना है, हार्डली 2 या 1 मिनट, मतलब थोड़ी सी देर को, जैसे ये चीज थोड़ा सा पिघलने लग जाए. और नहीं तो आप सीधे वो डाल सकते हैं. देखिए इसको सहारे से इस तरीके से रख देंगे, ये 2 मिनट में ही चीज पिघलने लगेगा. और फिर दूसरे थेपले से हम इसको कवर करेंगे. ये देखिए 1 मिनट से भी कम हुआ, आप देख रहे हैं ना, चीज पिघलना शुरू हो गया है. बस ऐसे ही चाहिए, पूरा पिघलाना नहीं है. अब हम इसको हटा देंगे, क्योंकि ज्यादा देर अगर आप तवे पे रखेंगे ना तो वो कड़क हो जाएगा, और हमें कड़क नहीं चाहिए. ठीक है, तो अब बस हम इसको उतार देते हैं. इस तरह से देखिए ये पिघल गया है. अब इस पे दूसरा पतला एक थेपला रख के और हम अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देंगे इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे. और उसके बाद ये पिज्जा कटर की मदद से हम इसको पहले हाफ में बांटेंगे. पिज्जा कटर या किसी शार्प नाइफ से करिए, मैं पिज्जा कटर से इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे अच्छी तरह ये कट जाएगा, बराबर अंदर की फिलिंग नहीं निकलेगी. देखिए ये एक बार किया और फिर एक और हाफ, जिससे ये चार चार ऐसे टुकड़े कर लेंगे हम. ये देखिए ये तैयार हो गया हमारे बहुत ही देसी स्टाइल के थेपले केसडिया. तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आई होप आप लोग को पसंद आएगा. अब हम इसको सर्व कर देते हैं. तो बस देखिए ये मजेदार से यमी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, उसकी फिलिंग ऐसे ऊज आउट होता हुआ आपको चीज दिखाई दे रहा है. बच्चे तो इसको देख के ही खुश हो जाएंगे. और आप इसलिए खुश हो जाइए कि इसमें सब कुछ बहुत हेल्दी है, नो मैदा तौतियाज. उसकी जगह हमने अपने थेपले डाले हैं जो खुद बनाए हैं. थेपले का लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उससे बना सकते हैं थेपले कैसे प्रिपेयर करने हैं. और अगर ये पसंद आई तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए. आई होप आप लोगों को पसंद आए एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स.